आज हम बनाने वाले हैं ऐसी रेसिपी जो आपने ना कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाए होंगे। तो नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने वाले हैं दाल पीठा, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दाल पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को लगा लेते हैं। ये वही आटा है जिससे हम रोटियाँ बनाते हैं। आटा लगाने के बाद इसे साइड में रख देते हैं। उसके बाद ले लिया है मैंने चने की दाल। चने की दाल को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगा के रख दिया था। अब हम डालेंगे 8 से 10 सूखी मिर्च और 8 से 10 हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें डालेंगे ढेर सारा लहसुन और इन सबको अच्छी तरह से पीस लेते हैं। अच्छी तरह से पीसने के बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे ढेर सारी धनिया पत्ती। हमें इसमें किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये दाल पीठा वैसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम चलते हैं अपने आटा की ओर। अब हम एक लोई लेंगे और इसकी कटोरी बना लिए हैं। अब एक चम्मच से दाल को अच्छी तरह से भर लेते हैं। दाल अच्छी तरह से भरने के बाद इसे हम बंद कर देंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सारा पीठा हमने बना के तैयार कर लिया है। अब हम लेंगे एक तपेली, उसमें डालेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। इसमें हम रख देंगे डबली, हमारे यहाँ इसको डबली कहते हैं। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसके जगह स्टील का जो जाली आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे दाल पीठे को हम इसमें रख देते हैं। ये दाल पीठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो मेरे कहने से आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। दाल पीठे को रख लिए हैं। अब हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। आग जलाने के बाद हम इसमें अपनी दाल पीठे वाली तपेली रख देते हैं। और ये हमारा थोड़ा दाल पीठा बच गया था तो इसको भी हम एक एक करके सारा रख देंगे। सारा का सारा दाल पीठा रख दिए हैं। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। इसे पकने में कम से कम 10 से 15 मिनट का समय लगता है। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो गया है और हमारा पीठा बनके तैयार है। हमने इसे उतार के ठंडा भी कर लिया है। आप चाहें तो एक कढ़ाई में इसमें जीरे का तड़का लगा सकते हैं। हम तो इसे ऐसे ही खाएंगे।